जोहार नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक जोहार स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आदिवासी महाकुंभ बेंका के बारे में। आप सभी को पता है कि आदिवासी महाकुंभ बेंका के नाम से प्रसिद्ध विश्व विख्यात मेला जो कि हर वर्ष माघ पूर्णिमा को भरता है और इसमें भारी संख्या में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आदिवासी लोग शामिल होते हैं इस मेले में। बेंका आदिवासियों का एक पूजा प्रकृति का केंद्र है और एक पवित्र स्थान है जहां अगर किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद अस्थियों का विसर्जन करने के लिए लोग बेनेश्वर आते हैं। एक आदिवासियों का एक पवित्र स्थान है तो उसके बारे में आगे कुछ बात करेंगे हम। शुरू से यहां सदियों से इस मेले का नाम आदिवासी महाकुंभ रहा है, लेकिन अभी बीते कुछ 1-2-3 सालों में कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए, राजनीति में फायदे के लिए इस मेले का नाम बदलकर वागड़ प्रयाग करना चाह रहे हैं। तो उनसे अनुरोध है कि आदिवासी इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करें। यह मेला शुरू से आदिवासियों के महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध रहा है और बेंका सिर्फ आदिवासियों का है, ये भूमि आदिवासियों की है, आदिवासियों का एक पवित्र स्थान है वहाँ पर। तो वहाँ उस स्थान से छेड़छाड़ नहीं करें और आदिवासियों के इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करें। आगे हम आपको बताएंगे दोस्तों कि हमारे एक समाज सेवी है धीरेन्द्र जी खानन सर, उन्होंने आदिवासी महाकुंभ बेंका के नाम से यह जो भी मेला बनता है वो आदिवासी महाकुंभ बेंका के नाम से ही बना जाए। उसके संदर्भ में भी 1-2 दिन पहले जिला प्रशासन की मीटिंग थी तो वहाँ पर उन्होंने बात रखी थी कि आदिवासी के इतिहास, संस्कृति और उसको सुरक्षित रखा जाए, उनके इतिहास से छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो उन्होंने वहाँ लेटर पर दिया, लेटर पर लिखा था कि जो भी होर्डिंग वगैरह, बैनर वगैरह लगते हैं उसमें आदिवासी महाकुंभ ही नाम लिखा जाए, न कि वागड़ प्रयाग लिखा जाए। तो चलो दोस्तों, आगे मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ और आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि अगर हमारे आदिवासी समाज के इतिहास अगर कोई भी छेड़छाड़ी होती है या कोई भी इतिहास मरोड़ा काम करता है तो सभी मिलकर आवाज़ उठाएं ऐसा गलत करनाओं के नाम से, ताकि हमारा इतिहास कायम रहे और इतिहास को हम सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको आदिवासी एरिया से संबंधित और आदिवासियों से संबंधित नए वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आगे वीडियो के साथ बने रहो, मैं आपको आगे धीरेन्द्र जी खानन सर का वीडियो दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छे समाज सेवी है जो हमेशा समाज के लिए तैयार रहते हैं और समाज के लिए काम में हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उनको मेरा जोहार सैल्यूट। दूसरा दोस्तों, आगे वीडियो के साथ बने रहो और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि माघ पूर्णिमा का जो भी मेला पड़ता है उसमें वहाँ पधार कर अपने आदिवासी इतिहास को सुरक्षित रखें और मेले में जो भी साथी दोस्त और संभालने में लगे हुए हैं उनका साथ भी दें। उसमें इसे आदिवासी महाकुंभ के नाम से ही प्रसारित कराया है। ऐसा एक कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई जो आप प्रशासन के आधार पे ये चीज ब्लॉक स्तर तक निकलनी चाहिए था। हमें वाकर प्रयास से कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो लगता है उसके साथ आदिवासी महाकुंभ शब्द को खत्म कर दिया जाए प्रिंट मीडिया द्वारा धीरे धीरे। और हम आदिवासियों का समय आपको बता दूं, यहाँ 4 राज्यों के जो आदिवासी दर्शन है उसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्व अधिक है, मैं ऐसा मानता हूँ। जैसा कि बहुत बार क्या होता है कि यहाँ अगर इसका सही तरीके से स्टडी किया जाए कि अवतारवाद जैसी कोई चीज ही नहीं है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आदिवासियों के आध्यात्मिक राजा ब्रह्मासुर, राजा महाबली, भेड़िया भील, माझी महाराज भील, वाला ऋषि, देवापुरी महाराज की तपो भूमि है और आदिवासी धूली भक्त स्थल के सबसे प्राचीन आदि भक्ति के दर्शन होते हैं। अगर सही तरीके से स्टडी किया जाए तो यह कहीं के आदिवासियों के संदर्भ में सबसे अधिक महत्व रखने वाली चीज है। लेकिन आज तक न तो सरकार का पॉइंट यह है कि इस मेले में जो ये प्रयाग है इसके साथ साथ आदिवासी वाली बात भी रखी जाए, उसका आप मुझे ज्ञापन दे दीजिएगा। इस मेले का यदि सरकार कोई नोटिफिकेशन करना चाहेगी या इस मेले के संदर्भ में इन शब्दों के जोड़ने के बाबत कोई बात होगी तो उसके बारे में विचार करें। हाँ सर, मुझे आदिवासियों को अपना दर्शन है सर, उनका अपना धर्म है, अपना अपना कल्चर है, लेकिन उसको कभी बताया नहीं जाता, उसको आरोपित किया जाता है किसी अन्य मतलब उसके द्वारा। वो एक हमारे ये सारा जो चल रहा है सर, ये एक बहुत बड़ा भविष्य में एक बहुत बड़े जनजागरण का एक कारण ये चीज बनती जा रही है। हम अपना
कल्चर को बचाना चाहते हैं, हम हमारे रिलीजन को बचाना चाहते हैं, तो ये चीजें यहाँ नहीं हो पा रही है सब, ठीक है। और एक तो जनजाति संग्रहालय के लिए कितनी बार हमने मुख्यमंत्री महोदय जनजाति मंत्री जी कितनी बार लिखा है, अगर एक ऐसा जनजाति संग्रहालय बन जाता है तो उसको मॉडिफाई हम करेंगे, उसको कैसे क्या करना है वो हमारे पास बहुत सारे कंटेंट है सर, लेकिन ऐसे मौके पे हमें प्रशासन के साथ बैठना नहीं है। चीज कह रहे हो इन तीनों चारों चीजों को मुझे लिखित कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, और कभी भी इस संदर्भ में हो साहब, तो यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि हमें बहुत सर हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हमारे बहुत सारी बातें बताएंगे सर, बहुत चीजें बताएंगे, तब बात करेंगे आपसे और फैन से बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चर्चा कर रहे थे,